अब तक आपने 500 रुपए के नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर देखी होगी, लेकिन अगर मैं कहूं कि गांधी जी की तस्वीर की जगह आप फिल्मी सितारों की तस्वीर 500 के नोट पर नजर आएगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो में SBI की स्लिप लगी हुई गड्डियां हैं 500-500 की, उस पर गांधी जी की तस्वीर की जगह बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर की तस्वीर नजर आई। इस फोटो को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद लोगों को हंसी तो बहुत आई, लेकिन ये काफ़ी गंभीर मामला है। हमारे बीच इस तरीके के अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें कि अहमदाबाद के बाजार में इतने नोट बरामद किए गए, 500-500 की नोटों की गड्डियां, और जिन पर महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह अनुपम खेर की फोटो नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे होंगे, जो कि इतनी सारी गड्डियां नजर आ रही हैं, इन पर SBI की स्लिप भी लगी हुई है, उसके साथ साथ 500 के नोट बिल्कुल असली नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जाली नोट हैं जो हम बचपन में दुकानों पर जाकर खरीदा करते थे, जिस पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें लगी होती थी। ऐसे में अब बाजारों में ये किस तरीके से जाली नोट घूम रहे हैं और आखिरकार पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते चलते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर एक बाजार में ठग घूम रहे थे, ज्वेलरी शॉप से 2100 ग्राम सोना खरीदा, सोने के बदले 500 की गड्डियां दे दी, लगभग 1,90,000 ये पूरी रकम बताई जा रही है, 500 की गड्डियां, जो कि ये तमाम जो नोट आपको नज़र आ रहे हैं ये जाली नोट हैं। इन 500 के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर की जगह अनुपम खेर की फ़ोटो नज़र आ रही है और ये धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये वीडियो कैसा है, कहाँ का है। तो ये अहमदाबाद का वीडियो है, जहाँ पर ठगों ने कितनी शातिरता के साथ 2100 ग्राम सोना उड़ा ले गए, इसके साथ साथ जो पैसा दे के गए हैं, लगभग बताया जा रहा है 1,90,000 500 की गड्डियां जो कि जाली हैं। इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए किस तरीके से SBI की स्लिप लगे ये 500 की गड्डियां, जिन पर अनुपम खेर की फोटो लगी हुई है, जहां पर RBI की जगह रिसोल लिखा हुआ है। ये जाली नोट किस तरीके से मार्केट में घूम रहे हैं। देखा आपने, इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें खुलेआम डर भी नहीं लगता। और जिस ज्वेलर के साथ ये घटना हुई, उसने अपना माथा पकड़ लिया। जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अनुपम खेर को बार बार जो यूज़र्स हैं वो टैग कर रहे हैं। इस पर अनुपम खेर का भी रिप्लाई आया है, उन्होंने कहा है कि बाप रे बाप, बहुत बुरा हाल है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से जाली नोट लगातार फेक करेंसी स्कैम मार्केट में चल रहा है और हिंदू त्यौहार आने को है, ऐसे में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और इन आरोपियों तक, इनके सरदार तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में इस पूरे मामले में किस किस का नाम सामने आता है और आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।